हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जल में स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो जल के जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उनको मिलाकर होती है दोस्तों जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जो वर्षा का जो जल होता है दोस्तों वो सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारी जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो अणुओं की संख्या अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अणुभार होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 20। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल की खोज का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो खोज किसने की थी दोस्तों? 1932 में हुई थी दोस्तों, ड्यूरे व वार्श वर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। रासायनिक नाम है दोस्तों D2O, डर्मेरेटिक ऑक्साइड है दोस्तों भारी जल का नाम, रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों पिटवा जो लोहा होता है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवे लोहे के अंदर सबसे कम मात्रा होती है दोस्तों कार्बन की। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो पालक के जो पत्ते होते हैं या हरी सब्जियां होती है उसके अंदर लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? गैल्वेनाइजिंग क्रिया बोलते हैं दोस्तों, जस्तीकरण भी बोलते हैं दोस्तों जिस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत व ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? तो विद्युत और ऊष्मा का जो सबसे अधिक चालक होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों चांदी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।